हमारे किसी एक सब्सक्राइबर का कहना है कि मेरा होस्ट क्रिएटर पर साइट है और डोमेन नेम कनेक्ट है होस्ट क्रिएटर पर, वो गोडैडी का है, तो कैसे मैं होस्ट क्रिएटर के अंदर गोडैडी का डोमेन नेम रिमूव कर सकता हूँ, क्या है तरीका? तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, अगर आपका गोडैडी का डोमेन नेम कनेक्ट है होस्ट क्रिएटर से, आप उसे डिलीट करना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं, तो होस्ट क्रिएटर से गोडैडी का डोमेन नेम रिमूव या डिलीट करने के लिए आप इस वीडियो को कंटिन्यू शुरू से क्लास तक जरूर देखें। इसमें हम आपको वो फंक्शन फीचर, वो सेटिंग बताएंगे जहां पर गोडैडी का डोमेन नेम होस्ट क्रिएटर से पूरी तरह से रिमूव किया जाता है और गोडैडी के डोमेन नेम को फ्री किया जा सकता है। दोस्तों क्या होते हैं, बहुत से लोग होस्टिंगर या अदर होस्टिंग ले लेते हैं और डोमेन नेम कनेक्ट होता है होस्ट क्रिएटर पर, लेकिन वो चाहते हैं कि हम उस डोमेन नेम को जो गोडैडी पर है उसे हम अदर होस्टिंग में कनेक्ट करना चाहते हैं होस्ट क्रिएटर से हटाकर, तो उस कंडीशन में भी वो होस्ट क्रिएटर से डोमेन नेम को रिमूव करते हैं। तो जानने के लिए, सीखने के लिए इस वीडियो को कंटिन्यू शुरू से क्लास तक शुरू देखें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बीसी कंप्यूटर हिंदी। तो सबसे पहले दोस्तों आप होस्ट क्रिएटर के अंदर लॉगिन हो जाइए, जैसे कि यहाँ पर लॉगिन है ऑप्शन आ रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए एंड होस्ट क्रिएटर अकाउंट के अंदर लॉगिन होने के बाद मैनेज ऑर्डर दिखाई देगा एंड लिस्ट सर्च ऑर्डर दिखाई देगा, आप इस पर क्लिक कीजिए एंड यहाँ पर प्रोडक्ट हैं तो हमारा प्रैक्टिस टेस्ट डॉट को डॉट इन है एंड यहाँ पर इसको हम ओपन करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, इस पर हमारी लिनक्स होस्टिंग है, इसके अंदर डोमेन नेम कनेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर एक पेज खुलकर आएगा, तो यहाँ पर सी पैनल डिटेल, नेम सर्वर डिटेल है ना, तो मैनेज वेब होस्टिंग, आप इस पर क्लिक करेंगे, आपका इसी के अंदर डोमेन नेम कनेक्ट होता है, ठीक है। एंड आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको डोमेन नेम मिलेगा, आप इस पर क्लिक कीजिए। डोमेन नेम पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर इस डोमेन नेम को हम रिमूव करेंगे, ठीक है। तो प्रैक्टिस टेस्ट पी एम डॉट को डॉट इन है, ये डोमेन नेम है कनेक्ट है, इसे हम रिमूव करेंगे। तो यहाँ पर मैनेज ऑप्शन दिखाई दे रहा है, हम इस पर क्लिक करते हैं। मैनेज ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर है रिमूव द डोमेन नेम, ठीक है, आप पढ़ लीजिए इसको, ठीक है, हम इसको परमानेंट डिलीट करेंगे। तो रिमूव डोमेन नेम बटन दिखाई दे रहा है रेड कलर का, हम इस पर क्लिक करते हैं एंड यहाँ पर एस रिमूव दिस डोमेन नेम, हम इस पर क्लिक करते हैं एंड यहाँ पर देखिए सक्सेसफुली आपका डोमेन नेम रिमूव हो चुका है जो आपका गोडैडी का है, ठीक है। एंड दोस्तों अभी ये पूरी तरीके से नहीं हुआ है, अब इसके नेम सर्वर भी हमें चेंज करने होंगे, क्योंकि जब भी हम डोमेन नेम कनेक्ट करते हैं होस्ट क्रिएटर के या अदर के, तो उसके डोमेन नेम के नेम सर्वर में हम होस्टिंग के नेम सर्वर डालते हैं, तभी कनेक्ट हो पाता है प्रॉपर, ठीक है, वरना कनेक्ट नहीं होता। तो अब हम नेम सर्वर ही फ्री करेंगे, वो होगा गोडैडी के अंदर, क्योंकि डोमेन नेम हमारा गोडैडी का है, ठीक है। तो इसे मिनिमाइज करेंगे, हम जाएंगे गोडैडी के अंदर एंड आपको गोडैडी के अंदर लॉगिन हो जाना है, तो हमारा लॉगिन पहले से ही है, इस पर क्लिक करेंगे, माय प्रोडक्ट पर क्लिक करेंगे। माय प्रोडक्ट पर क्लिक करने के बाद अब नीचे आएंगे तो यहाँ पर है प्रैक्टिस टेस्ट पी एम डॉट को डॉट इन एंड यहाँ पर डीएनएस ऑप्शन आ रहा है, हम इस पर क्लिक करेंगे। डीएनएस मैनेजमेंट का ये खुलकर आएगा पेज एंड यहाँ पर नेम सर्वर ऑप्शन आ रहा है, आप इस पर क्लिक कीजिए। नेम सर्वर पर क्लिक करने के बाद दोस्तों चेंज नेम सर्वर, अभी ये होस्ट क्रिएटर के डले हुए हैं, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, जब तक आप होस्टिंग के नेम सर्वर चेंज नहीं करेंगे तब तक आपका डोमेन नेम करेक्ट नहीं होगा, ठीक है, कोई भी। तो अब हमें यहाँ डिफॉल्ट करेंगे और फ्री करेंगे होस्ट क्रिएटर से डोमेन नेम को, ठीक है। चेंज नेम सर्वर बटन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर हम गोडैडी के नेम सर्वर ले लेंगे और सेव पर क्लिक कर देंगे एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे और हमारा सक्सेसफुली यहाँ पर नेम सर्वर डिफ़ॉल्ट हो गए एंड यहाँ रिफ्रेश करते हैं तो देखिए यहाँ पर गोडैडी के नेम सर्वर आने लगे, ये देखिए, ठीक है, ये गोडैडी के बाय डिफ़ॉल्ट नेम सर्वर होते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने होस्ट क्रिएटर के अंदर कनेक्ट डोमेन नेम को रिमूव कर सकते हैं, गोडैडी के हो या अदर हो, है ना। तो बस आपको इन स्टेप को फॉलो करना है, कोई भी डोमेन नेम है आप उसे डिलीट कर सकते हैं, हटा सकते हैं होस्ट क्रिएटर वेब होस्टिंग से। अगर दोस्तों ये डोमेन नेम आपको कनेक्ट करना है किसी होस्टिंग है, जैसे कि होस्टिंगर है, नेम चीप है ना, ब्लू होस्ट है, तो आप कनेक्ट कर सकते हैं, अब ये फ्री हो चुका है आपका डोमेन नेम, है ना। तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा दोस्तों, इसी तरह की और हेल्पफुल वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। फ्रेंड थैंक्स एंड बाय बाय।